नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। लगातार पिछले कुछ दिनों में जो सुर्खियों में हिजाब विवाद देखने को मिला है, यानी हिजाब बैन की अगर बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा धार्मिक विवाद बन चुका है जहां पर हिंदू मुस्लिम को लेकर भी बातें सामने आई हैं। और इसी में सोशल मीडिया पर भी हिजाब बैन की अगर बात करते हैं तो काफ़ी सारे पोस्ट, काफ़ी सारी वीडियोज जो हैं अलग अलग जगहों से जो है वायरल हो रही है। कर्नाटका की अगर बात करते हैं तो मेन वहां से जो है ये विवाद शुरू हुआ था और पूरे देश भर में अब हिजाब बैन को लेकर कंट्रोवर्सी जो है शुरू हो चुकी है। और लगातार इसी में अलग अलग बयान जो है अलग अलग पॉलिटिशियंस के, लोगों की बात करते हैं तो ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट के जरिए काफी सारी बातें जो है अलग अलग थॉट्स जो है वायरल हो रहे हैं। अगर बात करें खबर की तो 26 वर्षीय युवक जिसका नाम हर्षा था, उनकी हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि सीधा ताल्लुक जो है बजरंगदल से रखता था। और अगर बात करते हैं सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जब हत्या के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो ये बात सामने आई है कि कुछ दिन पहले यानी हर्षा के द्वारा एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया था जो हिजाब बैन के विरोध में था, उसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद क्रिएट हुआ। और उसके बाद जिस तरीके से ये मसला शुरू हुआ, कुछ लोगों ने जो है अब उसकी हत्या कर दी है और पोस्टमार्टम के लिए शव जो है वो भी लिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस जो है पूरी कार्रवाई कर चुकी है और लगातार जितने भी आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद अगर बात करते हैं इस बजरंग दल के मेंबर यानी हर्षा जिसकी हत्या कर दी गई है, आपको बता दें कि पेशे से एक दर्जी था। और हिजाब बैन का विवाद जो है किस तरीके से एक धार्मिक विवाद बन चुका है और पूरे देश भर में धार्मिक विवाद बनने के बाद अब हत्या जो है की गई है, एक बड़ी बात सामने नजर आती है कि किस तरीके से ये हिजाब बैन का विवाद जो है एक अलग रूप ले चुका है। आपको बता दें कि इसके बाद सारे स्कूल्स और कॉलेजेस जो है बंद कर दिए गए हैं और वहाँ पर सेक्शन 144 लगा दी गई है। और इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स जो है ट्रेंडिंग हो रहे हैं। हैशटैग्स जो है ट्विटर के अगर बात करते हैं तो जस्टिस फॉर हर्षा देखने को मिल रहा है। और किस तरीके से लगातार सिर्फ ना ही एक कर्नाटका की बात करते हैं बल्कि पूरे देश भर में अब हिजाब विवाद की, हिजाब बैन की कॉन्ट्रोवर्सी जो है काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। और इस तरीके की खबर सामने नज़र आना एक बड़ी बात नज़र आती है कि किस तरीके से एक धार्मिक मुद्दा जो है किसी की जान ले सकता है। फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस की तरफ से यही बयान सामने आया है कि देखने को मिला है कि हिजाब बैन को लेकर काफी ज्यादा विरोध जो है देखने को मिल रहे थे, जिसमें हर्षा के द्वारा भी पोस्ट किया गया था। और इसके चलते जो है एक विवाद शुरू हुआ जिसमें हर्षा की कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही।